तो व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है एब्रीवेशन। जो हमारे पास डिक्शनरी में एब्रीवेशन यूज होती हैं, आज हम उन पर गौर करेंगे। बड़े लोग होते हैं जिनको पता नहीं चलता कि डिक्शनरी में एब्रीवेशन यूज होती हैं। जैसे एक लफ्ज़ है कार, जैसे एक लफ्ज़ है कार या फिर प्लेन। डिक्शनरी में इनका लफ्ज़ लिखा, मतलब लिखा होगा, इसका कार होगा और इसका होगा जहाज, हवाई जहाज। तो इनके आगे छोटा सा एन या शायद कैपिटल भी हो सकता है, इसके आगे छोटा एन या कैपिटल एन हो सकता है। लोग समझते हैं ये क्या मतलब, ये होता है जो होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये उनका लिखा होता है। तो एन का मतलब होता है नाउन। आज मैं आपको यही बताऊंगा कि ये जो भी एब्रीवेशन यूज होती हैं इनका क्या मतलब होता है। हमारे पास जो पहली एब्रीवेशन है वो है ABBR, इसकी कंप्लीट फॉर्म होगी एब्रीवेशन। इस लफ्ज़ की भी शॉर्ट फॉर्म है ABBR, आगे इसका डॉट होगा। जैसे एक लफ्ज़ होता है प्लेन, इसका डिक्शनरी में लिखा होगा ABBRN, मतलब इनकी एब्रीवेशन एन मतलब नाउन है। दूसरी है हमारे पास नाउन, नाउन के लिए कैपिटल एन इस्तेमाल होता है, एन फॉर नाउन। तीसरी हमारे पास है PRON, इसके आगे भी डॉट, ये होती है यूज प्रोनाउन के लिए। जैसे एक लफ्ज़ है इट, इसका मतलब लिखा होगा वो, और इसके आगे लिखा होगा ABBR.PRON. मतलब इसकी एब्रीवेशन प्रोनाउन। एब्रीवेशन मतलब इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से ये की क्या चीज़ है, तो ये प्रोनाउन होगी। चौथे नंबर पर हमारे पास जो है वो है ADJ, ये यूज़ होता है एडजेक्टिव के लिए। तो ADJ यूज़ होता है एडजेक्टिव के लिए। पाँचवें नंबर पर हमारे पास जो है वो है ADV, इसके आगे भी डॉट, ये यूज़ होता है एडवर्ब के लिए। जैसे ग्रामर में एक लफ्ज़ है ऑलवेज, और भी बहुत ज़्यादा है, इसके आगे लिखा होगा ADV, मतलब ग्रामर के लिहाज से ये लफ्ज़ एडवर्ब है। छठे नंबर पर जो हमारे पास आता है वो है यू, कैपिटल यू यूज़ होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए। अगर हमने इतना लंबा लफ्ज़ अनकाउंटेबल नाउन नहीं लिखना तो इसको हम सिंपली अनकाउंटेबल्स भी लिख सकते हैं, मतलब जैसे है सैंड, इसके आगे लिखा होगा कैपिटल यू, मतलब सैंड अनकाउंटेबल नाउन है। उसके बाद हमारे पास जो अगला है एब्रीवेशन हुआ सी, इसकी एब्रीवेशन होगी काउंटेबल नाउन्स। और फिर से अगर ऐसे ही, अगर हमने इतना लंबा लफ्ज़ काउंटेबल नाउन नहीं लिखना तो इसको हम इकट्ठा लिख कर ऐसे लिख सकते हैं काउंटेबल्स। जैसे है पोटैटोज, इसके आगे डिक्शनरी में लगा लिखा हो सी, तो मतलब ये काउंटेबल नाउन है ग्रामर के लिहाज से। उसके बाद हमारे पास आता है आई, आई का मतलब होता है, इसकी एब्रीवेशन है इंट्रांसिटिव नाउन्स या वर्ब्स। और अगर हम इनको इकट्ठा ज्वाइंट करके लिखना हो तो इसको हम लिख सकते हैं इंट्रांसिटिव्स। अगली जो हमारे पास एब्रीवेशन है वो है PET, इसके आगे अभी डॉट आएगा, इसकी एब्रीवेशन है पास्ट टेंस, पी पास्ट के लिए और टी टेंस के लिए, पास्ट टेंस ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो अगला है वो है PP, इसकी एब्रीवेशन होती क्या पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट का पी और पार्टिकल का भी पी, दोनों इकट्ठे लिखेंगे तो इसकी एब्रीवेशन शॉर्ट बन जाएगी, शॉर्ट फॉर्म PP। जैसे एक लफ्ज़ होता है वर्कड, इसके आगे डिक्शनरी में लिखा होगा PP. मतलब ये पास्ट पार्टिसिपल, मतलब पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब थर्ड फॉर्म है, इसके आगे लिखा होगा PP। उसके बाद जो हमारी एब्रीवेशन है वो है STH,
इसकी एब्रीवेशन जो है कंप्लीट फॉर्म वो होती है सम का एस और थिंग का टी एच, और इसको अगर हमने शॉर्ट फॉर्म में समथिंग को लिखना हो तो हम लिख सकते हैं STH। उसके बाद जो हमारी एब्रीवेशन है वो है SB। इसकी कंप्लीट फॉर्म होगी समबॉडी, सम का एस और बॉडी का बी, तो इसकी छोटी फॉर्म शॉर्ट फॉर्म बन जाएगी SB। उसके बाद जो हमारे पास है वो है हमारे पास टी है, इससे हमारा स्टार्ट होता है वर्ड ट्रांसटिव्स। टी स्टैंड होता है ट्रांसटिव्स के लिए। ट्रांसटिव्स मतलब वर्ब्स होते हैं, वो वर्ब्स जिनके एंड पे ऑब्जेक्ट ना आए, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना हो, उसे हम ट्रांसटिव्स कहते हैं। तो इन ट्रांसटिव्स जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, आई आई स्टैंड फॉर इन ट्रांसटिव नाउन्स या वर्ब्स। इन ट्रांसटिव्स फिर वो होंगे जिनके एंड पे मतलब वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट ज़रूर हो, जैसे एक जुमला है ही वर्क्स, ये वर्ब है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया, तो फिर ये इस लिहाज से ट्रांसटिव होगा। और अगर ये होगा ही गोज़ टू स्कूल, गोज़ वर्ब है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये फिर होगा इन ट्रांसटिव। अगली हमारे पास जो एब्रीवेशन है वो है वी। वी स्टैंड होता है वर्ब्स के लिए, वर्ब्स मतलब जो भी हम काम करते हैं उन सबको कहते हैं वर्ब्स है। वर्ब जो भी हम काम करते हैं हम काम करें, जैसे हमारे पास लफ्ज़ हैं स्लीप्स प्लेज वगैरह वगैरह वगैरह, ये अगर डिक्शनरी में लिखे होते इनके आगे लिखा होगा छोटा सा वी और डॉट पड़ा होगा, तो इनका मतलब होगा वर्ब, ठीक है। और अगले हमारे पास जो एब्रीवेशन है वो है MRS। इतनी थी जो हमारे पास डिक्शनरी में यूज़ होती हैं वो एब्रीवेशन थी। और अगर दूसरी हम जो हसबे मामूल दूसरे ज़िंदगी में यूज़ करते हैं वो अब कुछ चार पांच हैं, अब हम वो डिस्कस कर लेते हैं। MRS हम यूज़ करते हैं मिसेस के लिए, ये हमेशा लड़कियों के लिए इस्तेमाल होता है हमेशा, औरतों के लिए इस्तेमाल होगा। और औरतें कौन सी जो मैरिड होंगी, जो सिंगल हैं उनके लिए हम इसको इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकते, जो मैरिड हैं बस उनके लिए हम मिसेज इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम कहते हैं मिसेज अली, अली की जो बीवी है जो मैरिड है उसके लिए हम मिसेज इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई जा रही है वैसे उसको हम नहीं कहेंगे मिसेज। उसके बाद हमारे पास जो है वो है MR की फुल फॉर्म है मिस्टर। मिस्टर हम किसी भी बंदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो मैरिड है या फिर अनमैरिड है किसी भी। और ये हमेशा ये इस्तेमाल होगा लड़कों के लिए या आदमियों के लिए, मतलब ये औरतों खवातीन वगैरह के लिए इस्तेमाल नहीं होता मिस्टर। जैसे मिस्टर शाहद, मिस्टर अली वगैरह वगैरह, ये तमाम लड़कों के लिए बस इस्तेमाल हो गई है और किसी के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। अगली जो हमारे पास है एब्रीवेशन वो है MS। MS इस्तेमाल होती है मिस के लिए, ये भी हमेशा सिर्फ औरतों के लिए इस्तेमाल हो गई, मतलब ये लड़कों या मर्दों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हम। और ये कब इस्तेमाल होती है, ये हम किसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास है मिस अनम, अगर हमें नहीं पता कि अगर कोई लड़की मैरिड है अनमैरिड है, हमें मतलब वो नहीं डालेगी, इतना सोच बूझ में नहीं डालेगी, अगर हम उसके लिए सिंपली मिस इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो अनमैरिड है चाहे मैरिड है, इसमें हमारे पास कोई वो नहीं होती रोक टोक। उसके बाद जो हमारे पास है वो है DR।
डीआर हम सिर्फ डॉक्टर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे डॉक्टर शान। और यह एब्रिवेशन हमारे पास कोई लिमिटेड नहीं होती है, इसको हम औरतों के लिए, ख्वातीन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आदमियों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे है डॉक्टर जायद। मतलब ये आदमियों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और डॉक्टर सारिका औरतों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। डॉक्टर को हम सबके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे औरतें हों चाहे ख्वातीन हों और चाहे